हाँ नमस्कार। हाँ मैडम नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी? उम्मीद तो पूरी थी जी, और आखिरी दिन तक नाम भी था। हाँ उसके बाद के पलटा खाया वो हमने भी नहीं। मेरा क्या कांड रहा, क्यों कटी, किसने कटवाई, कुछ भी नहीं कह सकते। अब अंदर की बात क्या है हमने उसका पता ही नहीं जी। कटी नहीं है, मिली नहीं जी। कटती तो जब ना भी मिल के कटा है। हाँ। या तो मिली ही नहीं ना। अच्छा, जैसे जैसे ही आप कांग्रेस में आए थे उसके बाद एक फोटो था, ब्रजेंद्र भूपेंद्र हुड्डा से मिलने गए थे और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने ही कटवाई है, जयप्रकाश उनका अनुमान बना हुआ है। अब देखो हम तो किसी का भी नाम नहीं ले सकते क्योंकि जब हमारे को अंदर की बात का ही नहीं पता जी। लेकिन ये है कि भाई जब सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें इनका नाम अकेले का था जी। उसके बाद क्या संभावनाएं हुई हैं, कब वो टिकट बदली, कैसे बदली, अब कुछ नहीं कह सकते। क्या वो बीजेपी के सिटिंग एमपी थे और उस समय जब किसान आंदोलन के दौरान भी वो एमपी थे, इसके चलते नाराजगी थी, कोई सर्वे हुआ है उसके कांड कटी है? जेपी कौन सा गया थे जी? जेपी गया था किसान आंदोलन में, वो बीजेपी में तो नहीं था? नहीं ना, वो बेशक जी बात तो किसान आंदोलन की कर रहे हो ना। जो साहब गए थे बीजेपी में रहते हुए भी जी, 5 बार गए तो उनका तो आपने जिक्र नहीं करा जी। तो ये तो बात देखो ना, अब परिवार में कोई झगड़ा हो जाओ है या कोई आपने ये सोचता है भी घर के अंदर निपट जाओ है। अब जिस चीज के प्रति आस्था थी, जिस जिस पार्टी उसका एमपी बनाया, अब उसके खिलाफ जाना तो असूलों के खिलाफ भी है। लेकिन जो सब उससे ऊपर अटके गए थे जी कि मैं तो जाऊंगा तो ये। अच्छा, दो बातें निकल के आ रही हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं इसको पॉजिटिव लेके चले आगे विधानसभा में बहुत अच्छा रहेगा, कुछ लोग नेगेटिव ले रहे हैं घर का न रहा न घाट का। नहीं नहीं, हम तो देखो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, बिल्कुल आशावान हमेशा रहना चाहिए आदमी को। यानी वो कहते हैं ना कि भी आदमी ठोकर खा के खड़ा होगा, ठोकर खा के पड़ता तो नहीं, तो खड़ा होगा कपड़े झाड़ के फिर चल पड़ा है, इसी तरह हम चल पड़ेंगे। और हम तो पड़े भी नहीं है जी। टिकट ना होगी ना सही, नहीं मिली किस्मत की बात है, मिल जाती तो अच्छी बात थी जी। और विधानसभा तो 4 महीने बाद विधानसभा है, अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जी। खट्टर साहब कह रहे हैं मैंने तो पहले चिताया था मत जाओ वहाँ पर, मेरी मानी नहीं। नहीं वो तो खैर उन्होंने कहा था, लेकिन ये ब्रजेंद्र का अपना फैसला था कांग्रेस में जाने का, क्योंकि डिफेंस कमेटी के मेंबर थे राहुल गांधी और ब्रजेंद्र सिंह दोनों, तो आपस में इनकी बात बहुत हुई होगी, दोनों के स्वभाव थोड़े मिले जुले होंगे एक दूसरे से, तो उनको ये लगा कि मैं बीजेपी में ज्यादा दिन रह नहीं पाऊंगा और मेरे को पार्टी छोड़नी पड़ेगी आज नहीं तो कल से ही। बीच में अगर छोड़ देते ना तो बाय इलेक्शन हो जाता, इसलिए उन्होंने उस टाइम तो फैसला लिया नहीं। हालांकि दुख तो बहुत था मन में, किसान आंदोलन का था, फिर वो अग्निवीर का था, फिर ये लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, दिल्ली पुलिस ने बाल खींचे उनके, उसका दुख था। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि अगर उस टाइम रिजाइन भी कर देते, अब अभय चौटाला रिजाइन करा, होया कि कुछ भी नहीं होया, वो फिर एमएलए बन गए, तो इसलिए रिजाइन करने मतलब ये भी एक और इलेक्शन जी। अब उन्होंने जब लगा कि अब टाइम आ गया तो इस्तीफा दे दिया। क्या क्या कारण रहा कि वो बीजेपी में नहीं रहना चाहते थे, क्यों सुनवाई नहीं हो रही एमपी की, कोई चलती नहीं तीन जी। देखो हरियाणा की जो पहचान है वो तीन चीजों से जी, जो हमारे फौजी जवान हैं जो देश की रक्षा करने के लिए हैं, हमारा किसान है जो दुनिया हिंदुस्तान का क्या दुनिया का पेट भर रहे हैं, और वो लड़कियां जो इंटरनेशनल लेवल पे तमगे लेके आई, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये तीनों चीज़ हरियाणा से, अगर किसी और स्टेट की होती तो शायद ना भी इतना महसूस होता जी। इसलिए उनके मन में दुख तो बहुत था, लेकिन उसने थोड़ी समझदारी दिखाई कि भाई उस टाइम रिजाइन नहीं करा, अब रिजाइन कर दिया। नहीं, सांसदों की कुछ सुनवाई भी होती है उस पार्टी में या नहीं होती, सुनवाई नहीं हो रही थी 5 साल से? देखो जहाँ तक जब तक उनको बोलने का मौका मिला ना, उनको हमेशा बहुत अच्छा बोलने का मौका मिला, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। और ये जो हमारे मिनिस्टर थे उस टाइम दीप पुरी जी, उन्होंने तो अपने एक बार किसी शादी में मिले थे चौहान साहब को, वो ये कह लगे जी मेरी 40 साल की जिंदगी में मैंने इतनी अच्छी तैयारी यूक्रेन पे ब्रजेंद्र के अलावा किसी की नहीं देखी, इंटरनेशनल प्रेस थी वहाँ पे, सारा सुनने लग रही थी कि हिंदुस्तान का एक मेंबर पार्लियामेंट यूक्रेन के ऊपर क्या बोलेगा जी। और भी कई सांसद और मंत्री भी उनसे सलाह लेना आया करते जी। विदेश का कोई भी नीति आती नहीं तो वो कहते भाई ब्रजेंद्र सिंह के अलावा कोई नहीं बता सकता, जो बहुत पढ़े लिखे हैं। आज की मीटिंग बुलाने का क्या मकसद है, आप जयप्रकाश की मदद करोगे? देखो अब कांग्रेस में आए हैं तो कांग्रेस के खिलाफ तो जाएंगे नहीं जी, हम लोग चाहे हम 10 साल बाद आए हों लेकिन तो हम कांग्रेस ही हैं, बिल्कुल, तो कांग्रेस के खिलाफ कैसे जाएंगे? ये तो हमने कभी कराया ही नहीं, हमने कभी दुर्भावना से राजनीति नहीं करी, उसमें कोई भी आ गया चाहे हमारे खिलाफ आया जब भी चाहे कोई हमारे साथ रहा तब भी, गलत व्यवहार ना तो हमारे स्वभाव में है नाम करे। जयप्रकाश का फोन आ लिया? क्या कहा? जो सबका आया था जी, जो हम रास्ते में थे कि मिलना है, देखने लगे अभी तो मैं जीन जान लग रहा हूँ जी, शाम को बात जी। और एक समय ऐसा कि टिकट की राह में रोड़ा बन गया,
अपनी रोड़ा तो खैर क्या बना, वो अपनी कोशिश कर रहा था, हम अपनी कोशिश कर रहे थे, वो कामयाब हो गया जी। ये तो टाइम टाइम की बात है। एक टाइम वो था जब जेपी को टिकट दिलाने वाले वीरेंद्र सिंह खुद थे, जब यूपी के प्रभारी थे ये, तब भी हम कांग्रेस में थे और मैं उनके नॉमिनेशन पे गई थी दिल्ली से जी। और अब वो भूपी के साथ लगे हुए हैं तो भूपी ने उनके लिए मदद कर दी जी। क्या फर्क पड़ा है, राजनीति में तो दाएं बाएं चलता ही रहता है जी। आखिरी सवाल, कांग्रेस के प्रति क्या माहौल देख रहे हो आप हरियाणा में? कांग्रेस के प्रति माहौल अपने आप, यानी बीजेपी के खिलाफ होने लग रहे लोग, कांग्रेस ने कुछ नहीं कर रखा जी। लेकिन जो बीजेपी के जो खिलाफ एक प्रचार हो रहा है ना पूरे हरियाणा में, बाकी देश की मैं बात नहीं करती, लेकिन हरियाणा में जो प्रचार हो रहा है बीजेपी के खिलाफ, ये अपने आप होने लग रहा है जी। क्योंकि जो किसान आंदोलन जो हुआ था ना, वो उस टाइम तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अभी इसका बदला ले लेंगे। खट्टर और कोई पार्टी नहीं है जी। खट्टर के पहले कार्यकाल में आप विधायक थे, खट्टर किस तरह का नेता है, किस तरह की है वो, विधायकों की बात सुनते थे, उनको क्यों हटाना पड़ा, क्या उनका कार्यप्रणाली किस तरह की थी उनकी? देखो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ये तो बीजेपी आपने उनके साथ काम किया है? नहीं, मैं जब मैं एमएलए थी, जब तो मुख्यमंत्री थे जी, जब दोबारा मैं नहीं रही एमएलए, तब डिप्टी सीएम दुष्यंत थे उनके जी, उसके साथ लगे हुए थे। आदमी बढ़िया है जी। मेरे तो जितने भी काम हुए हैं ना, मतलब कभी, एक तो देखो ब्रजेंद्र सिंह आईएएस अफसर जी, कमिश्नर रैंक के थे, सारे तो अफसर मेरे तो डरा करते जी। अभी ब्रजेंद्र की माँ है, इसका काम ना रुकने दियो, सेंटर में 14 मंत्री थे, तो हल्के तो 90 हैं, इसी कारण सबसे ज्यादा काम करा पाया आप, तो इसीलिए मैं काम करा पाई, नहीं तो एमएलए तो अभी बते रहे थे जी। तो मेरा काम नहीं रुका कभी, और उसमें ना रुकने का कारण मैं उनको भी मानती हूँ, जो उस टाइम उनके वो थे ना मिस्टर खुल्डर थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। आपके मुकाबले दूसरे डिप्टी सीएम रहे तो कितना काम करा पाया? मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं कराया जी, बल्कि मेरे काम भी रुकवा दिए उसने तो, जिनके पत्थर रख चुके थे, जिनके पैसे भी अलॉट हो चुके थे, वो भी काम नहीं उसने होने दिए। हमारा उचाने का बाईपास है, एक ईंट नहीं लगने दी उसने, जो कि मुआवजे मिल लिए थे, लाइनें सारी खिंच गई थी, लेकिन नहीं बने। क्या आपको लगता है दूसरे दोबारा हिम्मत कर पाएगा उचाने से चुनाव लड़ने की? मैंने तो नहीं लगता जी, और आएगा तो दुर्गति होगी उसकी। उसकी माँ तो आ गई है लोकसभा में, उसकी माँ तो आई है लोकसभा में, लोकसभा में आई है वह, अपने दुरानी के खिलाफ आई है, या अपने ससुर के खिलाफ आई है वह तो जी, और जेपी तो है ही है फिर। चलो थैंक यू।